सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई आज की वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हुए एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज एक्सो किटी का। नाम थोड़ा सा वियर्ड है बट क्या इसकी स्टोरी आप लोग के लिए सफिशिएंट रहेगी, क्या आपका लाइक टाइम इस शो में देना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, प्लस इसकी हिंदी डबिंग कैसी करी गई है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो यार, एक्सो किटी जो सीरीज है वो भाई टीन रोमांटिक ड्रामा की कैटेगरी में फॉल होती है। एंड ये शो काइंड ऑफ सीक्वल है टू ऑल द बॉयज फिल्म फ्रेंचाइजी का। तो अगर आप लोगों ने उन फिल्म्स को देख रखा होगा देन आप लोग ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे इस सीरीज से। ऑल्दो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इस शो को देखने के लिए आप लोग को उन मूवीज को देखना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग उन मूवीज को देखे रहोगे देन आप लोग ज्यादा अच्छी तरीके से इस शो से भी कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि जो जॉनर है वो ऑलमोस्ट आप लोग को सिमिलर देखने को मिलता है। तो आप लोग बताना में से कितने लोगों ने टू ऑल द बॉयज मूवीज के सारे पार्ट को देख रखा है। अब अगर बात करें इस शो की तो इस शो के अंदर आप लोग को जो स्टोरी है वो भाई किटी नाम के कैरेक्टर के ऊपर फोकस करती हुई देखने को मिलेगी, जो की अपना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए कोरिया के लाइक कॉलेज में अप्लाई करती है, जहाँ के लिए लकली वो सिलेक्ट भी हो जाती है। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान में देना पड़ेगा कि उधर की जो फैमिलीज है वो कितनी ज्यादा कूल है, बिकॉज वहाँ पे पता है कि ये जो लड़की है वो जा रही है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, लेकिन वहाँ पे फिर भी उसके जो लाइक मॉम एंड डैड है उसको जाने देते हैं। इंडिया के सिनेरियो में अगर आप लोग चीजों को रखोगे तो आप लोग को लगेगा कि भाई इधर अगर बता भी दिया ना कि हमारी गर्लफ्रेंड है तो उस टाइम आपका क्या होने वाला है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा कांड कर रखा है। हालांकि वो सारी बातें हम लोग छोड़ते हुए अगर फिर से सीरीज पर फोकस करें तो आप लोग को इधर देखने को मिलेगा कि भाई किटी जब वहाँ पे पहुंचती है तो उसको चीजें उस तरीके से देखने में नहीं लगती है जैसी वो सोचकर आई थी। एंड जिस ट्रू लव की जर्नी में वो निकली हुई थी, क्या उसके अंदर वो भाई सक्सेसफुल हो पाती है, जो भी उसके लाइक लाइफ में टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं वो सब आप लोग को इस शो के अंदर फोकस करते हुए देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शो नहीं है, आप लोग को स्टोरी इजिली समझ आ जाएगी। इनफैक्ट आप लोग आगे की स्टोरी क्या होने वाली है उसको भी इजिली प्रिडिक्ट भी कर लोगे। एंड इस तरीके के शो ऐसे ही होते हैं जहाँ पे आप लोग को बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, तो सेम चीज आप लोग को इधर भी देखने में मिलती है। अच्छी बात इस शो की ये भी है कि भले ही शो के अंदर आप लोग को टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं बट मैक्सिमम लाइक जो लेंथ गई है वो 34 मिनट्स की है, मतलब कि आप लोग को आधे घंटे के सारे एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसको आप लोग इजीली देखकर खत्म कर सकते हो। शो की पेसिंग भी मेरे को ठीक लगी। अगर आप लोग को रोमांटिक ड्रामा लाइक देखना अच्छा लगता है देन आप लोग के लिए ज्यादा कुछ खास बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है। अब अगर मैं बात करूं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की तो देखो भाई पर्सनली मेरे को शो एवरेज ही लगा है। एंड इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि मेरे को भाई बहुत ज्यादा टीन रोमांटिक ड्रामास देखना पसंद है नहीं। अच्छे ड्रामास मैंने डेफिनेटली देख रखे हैं एंड उसकी वजह से ही इसकी जो स्टोरी थी उसके अंदर मेरे को बहुत ज्यादा कुछ खास पोटेंशियल लगा नहीं है। इसकी स्टोरी आप लोग को ऐसी देखने को मिलती है कि अगर आप लोग एक प्रो ऑडियंस हो देन आप लोग इजिली लाइक पता कर लोगे कि आगे के एपिसोड में होने क्या वाला है। हाँ, अगर आप लोग को एक लाइटर टोन पर शो देखना है जिससे लाइक आप लोग को ज्यादा कुछ खास मतलब हो ना एंड आपका एक टाइम पास हो जाए देन आप लोग अपना टाइम एक बार को इस शो को दे सकते हो। लेकिन इसी के साथ ही वो ऑडियंस जिनको भाई रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद है, खासतौर से जो अभी लाइक 16 से 18 एज के बीच में है, उनको ये शो पसंद आ सकता है। यहाँ पे डिपेंड आपकी चॉइस पर करेगा कि आप लोग किस तरीके की स्टोरी देखना पसंद करते हो। अच्छी बात इस शो के लिए ये भी है कि ये शो आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल कराया गया है, तो आप लोग को भाई लैंग्वेज का कोई इशू होने नहीं वाला है। प्लस नेटफ्लिक्स का शो है, दैट्स आप लोग को जो डबिंग है वो भी हाई क्वालिटी की देखने को मिलती है, तो उसके अंदर भी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर मैं लास्ट में भाई अपना फाइनल वर्डिक्ट बोलूं तो मेरे हिसाब से ये शो भाई सारी ऑडियंस के लिए नहीं है, खासतौर से वो ऑडियंस जिनको एक्शन या फिर भाई साईफाई और फैंटेसी वाले शोज देखना पसंद है, आप लोग इस शो को स्किप कर सकते हो। एंड अगर लास्ट में मैं इस शो को रेट करना चाहूं तो मैं इसको दूंगा 3.5 out of 5 स्टार। मेरे हिसाब से भाई जो नॉर्मल ऑडियंस है जिन्होंने आज से पहले बहुत ज्यादा लाइक टीन ड्रामा नहीं देख रखे हैं, उनको नया नया चस्का लगा है टीन ड्रामा देखने का, उनको डेफिनेटली ये शो पसंद आ सकता है। तो आप लोग बताना मुझे कितने लोगों ने इस शो को देखना स्टार्ट कर दिया है, आप लोग किस एपिसोड पर पहुंचे हो एंड अभी तक आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जो भी आप लोग के थॉट है उसको आप लोग डेफिनेटली शेयर कर देना। तब तक अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।